हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप कमांड सीरीज का पांचवा वीडियो है और इस वीडियो हम सीखेंगे हाउ टू डिस्प्ले एन लाइंस बिफोर मैच, यानी जिस लाइन से आपका पैटर्न या स्ट्रिंग मैच हो रहा हो और उस लाइन से पहले की कुछ नंबर ऑफ लाइंस भी आपको प्रिंट करवानी है, तो वो कैसे करते हैं, वो प्रिंट कैसे करवाते हैं, वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस कंडीशन के लिए इस ग्रेप कमांड का सिंटेक्स क्या रहेगा वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना ग्रेप कमांड, उसके बाद में हाइपन कैपिटल बी, उसके बाद में नंबर लिखना है, वो नंबर लिखना है आपको कितनी लाइन आपको प्रिंट करवानी है उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे अगर आपको पांच लाइन प्रिंट करवानी है मैच से पहले तो आपको यहाँ पांच लिखना है, अगर आपको तीन लाइन प्रिंट करवानी है तो आपको यहाँ पे तीन लिखना है, और उसके बाद में वो स्ट्रिंग या पैटर्न लिखना आपको, और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिससे आप पैटर्न या स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो एक डेमो फाइल मैंने क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये उस फाइल का कंटेंट है। अब मैं चाहता हूं कि बनाए स्ट्रिंग मैच कराऊं और उससे पहले की कुछ नंबर ऑफ लाइंस बीप में साथ में प्रिंट करवाना चाहता हूं इस लाइन के साथ में, तो उसके लिए ग्रेप कमांड क्या रहेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना ग्रेप, फिर हाइपन कैपिटल बी ऑप्शंस, फिर मैं चाहता हूं कि मैं दो लाइन प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा दो टू, और उसके बाद में आपको कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है वो आपको लिखना है, सॉरी मैच करवानी है वो आपको यहां पे लिखना है। तो मैं चाहता हूं, मैं बनाना स्ट्रिंग को मैच करवाना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे बनाना लिखा है, और उसके बाद में उस फाइल का नाम लिख लीजिए जिससे आप ये स्ट्रिंग मैच करवाना सर्च करना चाहते हैं या पैटर्न मैच करवाना चाहते हैं। तो उस फाइल का नाम लिख देता हूं myfile.txt, और उसके बाद में तो देखिए जिस लाइन से हमारा बनाना स्ट्रिंग मैच हो रहा है उससे पहले की दो लाइन पे ये साथ में प्रिंट कर रहा है, और ये देखिए ये बनाना इस लाइन से मैच हो रहा है और उसके पहले की दो लाइन यहाँ पे ईट और कैरेट ये भी प्रिंट कर रहा है, और साथ में दूसरी बार बनाना हमारा मैच हुआ यहां पर तो देखिए ये रहा, और उसकी दो पहले की दो लाइन भी ये साथ में प्रिंट कर रहा है। आप चाहते हैं कि आप तीन लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इस तरह आप लिख सकते हैं, यहां पे आपको तीन लिखना पड़ेगा टू की जगह, और देखिए अब की बार ये तीन लाइन प्रिंट कर रहा है, यानी जहां जिस लाइन से आपका मैच हुआ है पैटर्न मैच हुआ है उस लाइन से पहले की तीन लाइन भी ये साथ में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप हाइफन बी ऑप्शन यूज नहीं करते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं लाइन को प्रिंट करेगा जिस लाइन से हमारा पैटर्न मैच हुआ है या स्ट्रिंग मैच हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।